हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। तो हम शिमला वापस आ चुके हैं। हम 14 को शिमला आए थे। मुझे लगा कि मैं उस दिन आप लोगों को के लिए व्लॉग बनाऊंगी, बट उस दिन मेरी और प्रिशा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं बना पाए। एंड 15 को भी प्रिशा, हम दोनों मार्केट गए थे प्रिशा के बुक्स लेने, तो नहीं बना पाए। 16 को मुझे किसी काम से कोच जाना पड़ा था और प्रिशा भी स्कूल गई थी। तो आज है शिवरात्रि और आज प्रिशा और हम दोनों की छुट्टी है। रात को प्रिशा और हम दोनों काफ़ी देर तक सोए नहीं थे और सुबह भी हम 10:30-11 बजे के आसपास उठे। प्रिशा का तो फास्ट है, तो मैंने तो आज फास्ट रखा नहीं है। अभी शाम के बज रहे हैं 3, 3:30 के आसपास, और प्रिशा और हम दोनों अभी मंदिर तक जा रहे हैं। सो हम उसके लिए रेडी हो रहे, तो मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ मंदिर के लिए रेडी। तो आप ये देख सकते हैं मेरा इंडियन लुक। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी मंदिर जाने के लिए। प्रिशा और अभी हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। सो पहले हम दोनों को यहाँ पर 20 तक जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें बस लेनी पड़ेगी। यहाँ मुझे ज़्यादा इस शिव मंदिर को तो पता नहीं है। सो लिफ्ट के पास एक मंदिर है, प्रिशा और हम दोनों वहीं जाके मिलेंगे। वो फाइनली प्रिशा और मैं निकल चुके हैं घर से बस के लिए किन्नौर में। तो जब हम किन्नौर से आए थे तो किन्नौर में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट शिमला में इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, और वैसे भी अभी धूप लगी है। सो हमें लगा कि हम अभी जल्दी मंदिर जाके आ जाएंगे वापस। तो अभी हम निकल चुके हैं। प्रिशा और मेरी परछाई आप देख सकते हैं। हम दोनों यहाँ खड़े हैं और बस का वेट कर रहे हैं। अभी तक दूर दूर तक तो बस हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। आई होप 2-4 मिनट में बस आ जाएगी। तो लिफ्ट तक हम यहाँ से बस में ही जाएंगे। जो शिव मंदिर है वो लिफ्ट के पास ही है, तो वहाँ तो हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस मिल गई है, हम बस में बैठे हैं। बस में आज ज़्यादा क्राउड तो है। हम बस से उतर चुके हैं और लिफ्ट पहुंच गए, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हम मंदिर पहुंच गए हैं। ये मैं जाकर लोटे में पानी भर रही थी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। और इस टाइम पे जब प्रिशा मेरी वीडियो बना रही थी तो पंडित जी ने कहा कि अंदर मंदिर परिसर में वीडियो बनाना मना है, सो इससे के आगे की वीडियो हम नहीं बना पाए। फ्रेंड्स, हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और जो लोग आपको लाइन में नज़र आ रहे हैं बॉटल्स वगैरह के साथ, वो गोटा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। हम वापस BCS की तरफ चल पड़े और हमको बस मिल गई है और हम बस में बैठे हुए हैं। सो फाइनली हम BCS वापस पहुंच गए हैं। हम बस फटाफट मंदिर गए, फटाफट हमने दर्शन किए और फटाफट हम वापस आ गए हैं। सो अभी हम रूम की तरफ चल पड़े हैं, तो फिर इसके बाद हमने जाके शाम की पूजा की तैयारियां करनी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको हम शाम को खाने में क्या क्या बनाएंगे, क्योंकि प्रिशा का फास्ट है तो मुझे इसके लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने को बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली प्रिशा और हम दोनों भी इधर पहुँच चुके हैं। सो हम दोनों ने ज़्यादा टाइम तो लगाया है नहीं वहाँ पे मंदिर में। तो अब चेंज वगैरह करके हम भी भोग वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। अभी हमको पूजा वगैरह भी करना है,
तो फ्रेंड्स मिलते हैं। फ्रेंड्स तो मैं मंदिर से तो काफी देर पहले वापस आए थे, तो अब हम लगे हैं पूजा की तैयारी करने की। मैं इसके लिए पूरियां बना रही हूँ। तो हम दोनों पहले तो पूरियां बनाएंगे। तो इसे मैंने राजमा दाल चढ़ाया है, हम मैं राजमा बनाऊंगी। इसे मैंने आलू रखे हैं पीठा के लिए बॉईल करके। तो लेट्स स्टार्ट पूरियां बनाने का कार्यक्रम। तो हम बना रहे हैं पूरियां। ये पूरियों के लिए मैं गोले बना रही हूँ। बना चुकी हूँ बाजार की, ठंडा हो रहा है, इसको गर्म तो करना पड़ रहा है। ये मैं लास्ट पूरी बनाकर फ्री हो रही हूँ। इसके बाद मुझे प्रिशा के लिए आलू बनाना है, तो उसमें मैं बिना प्याज बिना टमाटर के आलू बनाऊंगी। सो वो स्पेशली प्रिशा के लिए व्रत के टाइम आलू बना देती हूँ बिना प्याज लहसुन के। सिम पर ऐसे बहुत पसंद है। तो जीरा डालू कौन सा वाले, ये वाला लोकल या दूसरा? हाँ कोई नहीं। और ये क्या बोलते इसको, धनिया डाल दो। वैसे खाते हैं धनिया तो नहीं खाते। सो फ्रेंड्स फाइनली प्रिशा हम दोनों खाना खाकर फ्री हुए हैं और हम दोनों बहुत थक चुके हैं। अब हम दोनों सोने जा रहे हैं। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो जो भी प्रिशा और हम दोनों ने आज
मंदिर जाने के बाद का जो अभी हमारा रूटीन रहा है उसके ऊपर बनाए। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई विल कम वेरी सून विद माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।